हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका इस वीडियो में स्वागत है। और काफ़ी दिनों से अपडेट्स को लेकर भी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मशीनों में अपडेट कैसे आएगा। तो अपडेट रेगुलर्स आते रहते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, डेटा आपको ज़्यादा मिल जाता है, अपडेट्स आते हैं तो कुछ डेटा में करेक्शन रहता है। और कई बार हम लोग भी यहाँ से या आप लोग भी कुछ एडवाइस करते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है तो ये अपडेट आना चाहिए, इसमें करेक्शन ये है, तो उसके हिसाब से आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता है। तो अपडेट कैसे लेना है और अपडेट को कैसे अपडेट करते हैं इस मशीन में, क्योंकि अपडेट तो सर्वर में आता है, सर्वर आने के बाद आपको डाउनलोड कैसे करना है, उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे कि इस मशीन में अपडेट कैसे करते हैं। तो मैं आपको इसकी स्क्रीन के ऊपर आपको मेंशन करता हूँ कि अपडेट कैसे करेंगे। तो स्क्रीन में हम लोग फोकस करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने स्क्रीन में फोकस किया हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन को, और यहाँ पर देखिए वर्जन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वर्जन देखिए V1.62 है, ठीक है, 1.62। तो ये ओल्ड वर्जन है, इसको हम लोग अपडेट करेंगे तो आपकी जो मशीन है उसमें अपडेट हो जाएगी, और अपडेट होने से आपको ज़्यादा डेटा मिल जाएगा। तो ये एडिशनल है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपडेट कैसे करेंगे, तो हम लोग इसको क्लोज करते हैं विंडो को, और हम लोग कंप्यूटर के सी में जाते हैं, सी ड्राइव में। तो ये सी ड्राइव में जाना है आपको, तो ये सी ड्राइव में हम लोग चले जाते हैं और सी में क्लिक किया। यहाँ पर देखिए टेस्ट बेंच कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, सबसे लास्ट से एक ऊपर दिख रहा होगा आपको, टेस्ट बेंच कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है आपको, देखिए मैंने थोड़ा सा जूम किया है। ये फाइल को डिलीट कर देनी है, तो यहाँ से हमने ये लिया और ये फाइल को हम लोग डिलीट करेंगे, ठीक है। तो इसको डिलीट कर दीजिए, ये सीधा रिसाइकलिंग बिल में चले जाएगी। और याद रखिएगा, इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, अगर आपका इंटरनेट वीक रहेगा ना तो ये करप्ट हो जाएगी और ये आपका जो टेस्ट बेंच है ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, मीन्स क्या, सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा, फिर आपको फिर से चाइना से ऑनलाइन रिमोट में लेके काम करवाना पड़ेगा। तो विदाउट, अगर वाईफाई कमज़ोर हो तो कृपया बिल्कुल इसको अपडेट ना करें, आपका वाईफाई बहुत अच्छा होना चाहिए, नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो अब ये देखिए मैंने इसको डिलीट कर दिया है, यहाँ पर मैं देखिए कनेक्शन हमारा कट है, लगा हुआ है, और अब हम इसको वापस प्रोग्राम फाइल को एक बार शट डाउन करेंगे पूरा सिस्टम्स को, और उसके फिर इसको ऑन करेंगे तो हमारा ये इसमें अपडेट के ब्लिंक करने लगेगा। तो ये देखिए अपडेट ब्लिंक करना चालू हो गया है, और इसको हम लोग अपडेट को क्लिक करेंगे, ये अब नया अपडेट आ गया तो ये ब्लिंक करना चालू कर देता है। तो इसको अपडेट करेंगे, अब इसको कन्फर्म दबाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसको फिर से कन्फर्म करेंगे तो ये अपडेट की जो फाइलें हैं ये आना चालू हो जाएंगी। ये देखिए अभी चालू होना, डाउनलोड करेगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेगा, तो आप इसको देखते रहिए, थोड़ा सा मैं इसको करवा रहा हूँ। ओके, ये कनेक्टेड है, यार देखिए अगर ये कनेक्ट नहीं रहेगा या स्पीड स्लो रहेगी तो ये डाउनलोड नहीं होगा और ये फाइल करप्ट हो जाएगी। तो खैर, करप्ट भी हो जाए तो आप रिसाइकलिंग में से वापस रिस्टोर कर लोगे तो ये आपका सिस्टम चालू हो जाएगा, तो उतना ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरा डाउनलोड होने का प्रोसेस होगा और उसके बाद फिर, तो इसको मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने कंटिन्यू फिर से स्क्रीन पर रखा हुआ है और ये थोड़ा सा टाइम लेते ही है, तो जैसे ही ये फुल होगा तो आपका अपडेशन चालू है। तो ये पूरा फुल होने चाहिए, इसके अपडेट चालू है आपके। बस याद रखिएगा कि आपका इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि बीच में आपका इंटरनेट रुक जाए। तो ये कनेक्टेड है, स्पीड ठीक है हमारी, और ये ऑलमोस्ट फाइनल पोजीशन पे है। जैसे ही होगा तो ये आपकी पूरी सिस्टम्स को फिर इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गया, अब इंस्टॉल का आपको बटन दबाना है। तो ये हम इंस्टॉलेज का बटन दबाते हैं और ये जो फाइल आई है अब इसमें नेक्स्ट करना है आपको, तो इसमें हम लोग पहले नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद फिर इंस्टॉल करना है। अब ये देखिए इंस्टॉलेशन चालू हो गया, ये जो फाइल्स आ रही है ना ये आपके इस कंप्यूटर में इंस्टॉल होगी, ये देखिए ये फाइल्स आ रही है, तो इससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाता है। तो ये इंस्टॉलेशन चालू है, तो ये पूरे डेटा एक बार फिर से आपको रिफ्रेश मिल जाएगा, अपडेट हो जाएगा, तो जो भी छोटी मोटी जो चीज़ें वो भी सुनेंगे। अभी इसको फिनिश कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग टेस्ट बेंच में चलते हैं, देखिए कि क्या फ़र्क पड़ा। अब देखिए यहाँ पे ये कि 1.63 हो गया, जो पहले 1.62 था। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी मशीनों को अपडेट कर लीजिए ताकि आप लेटेस्ट वर्जन को पाएँ, और किसी भी प्रकार के कोई भी क्वारीज रहे तो आप स्क्रीन में दिए हुए नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और इस बारे में और भी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं ताकि आपके सवालों का जवाब दिया जा सके। धन्यवाद।